हेलो। हाँ जी हेलो हाँ नमस्कार सर, मैं शशांक पांडे बोल रहा हूँ द इंडिया टॉप से। जी। प्रणाम 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 सर। सर बिहार में बड़ा खेला हो गया, एनडीए की सरकार थी वो टूटकर महागठबंधन की सरकार बन गई है, और ऐसे में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया लेकिन ब्राह्मणों को जगह नहीं मिल पाया मंत्रिपरिषद में। देखिए, महागठबंधन का सरकार तो बनना ही था सर। जी हाँ, वो तो एकदम निश्चित था। वो तो बिहार के माइंडेट के साथ लोग खिलवाड़ किया था। हाँ, नीतीश जी को लोग विकास का काम भी नहीं करने देना चाह रहा था। तो जी जी नीतीश जी महागठबंधन में सम्मिलित हुए, तो इसके लिए तो धन्यवाद है। महागठबंधन की सरकार बनना चाहिए था सर, अब बिहार का विकास भी होगा। और जी जहां तक रह गई ब्राह्मणों की बात, तो संजय संजय झा जी को ब्राह्मण ही है, जी उनको सम्मिलित किया गया है। लेकिन इधर से भी ब्राह्मण लोग सम्मिलित होंगे। अभी अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हो सकता है आगे इसे और कुछ अच्छा होने वाला होगा। ब्राह्मण लोग का जगह तो ही है मंत्री महामगठबंधन में। जी अच्छा सर, खबर चल रही थी कि आरजेडी के एक विधायक हैं बच्चा जी पांडे, आपके भाई भी लगते हैं, भाई भी हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात चल रही थी लेकिन ऐन मौका पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, देखिए, वो हमारे भाई लगते नहीं, हमारे सगे भाई हैं। जी। और हकीकत में है कि उनकी चर्चा चल रही थी कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दिया जाएगा एक ब्राह्मण कोटे से। लेकिन इन मौका पर होता है, देखिए, जो सीनियर नेता लोग होते हैं उनकी बहुत मजबूरियां होती हैं, बहुत कुछ को देख कर चलना पड़ता है। तो बात हुई हुई भी कि भाई अभी छोड़ा जाए, आगे किया जाएगा, चाहे अगला मंत्रिमंडल विस्तार में कर दिया जाएगा, चाहे कोई बात होगा उसमें, तो ये तो बात वही लोग बता पाएंगे ना। अब हम लोग तो पता था, या पूरे लोगों को पता था कि ब्राह्मण को, मैंने बच्चा पांडे को मंत्री बनाया जाएगा। हम लोग आश्वस्त थे, अगर नहीं बनाया गया तभी भी ठीक। देखिए, अमिताभ बच्चन जी एक बात कहते हैं, वो हम सोचते हैं वो हो गया तो ये अच्छी बात है। हमारे चाहने से अगर कोई काम होता है अच्छी बात है, अगर हमारा चाहा हुआ काम नहीं हुआ वो और अच्छा हुआ, क्योंकि तो भगवान की इच्छा है उसके ऊपर। हो अच्छा सकता है इससे और अच्छा ब्राह्मणों का कोई जगह मिलने वाला हो, जी। अच्छा इससे अच्छा ब्राह्मण। चुना जी, आप लगातार भाजपा में रहे हैं, भाजपा के एमएलसी भी आप रहे हैं सिवान से, और अभी जिस तरीके की भाजपा की स्थिति है, लगातार भाजपा ये आरोप लगा रही है महागठबंधन पर, अभी हाल में ही सरकार बना है, लगभग 10 दिन हुए सरकार बने हुए, और लगातार ये महागठबंधन पर आरोप लगा रही है और नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि जंगल राज 3 आ गया है। क्या आपको वाकई हाँ, में लग रहा बिल्कुल। है कि जंगल राज 3 आ गया? नहीं, देखिए, वो भाजपा वाले जो हैं, हम जी भाजपा के एमएलसी थे और भाजपा में आज हैं, ये बात को पहले आप ध्यान दिया जाएगा, इस शब्द को, कि हम भाजपा में ही हैं और भाजपा के एमएलसी थे, ये अभी भी बात आप सही है। भाजपा में हैं एकदम भाजपा में है सर, जी हमारी झंडा भाजपा का ही, आप देखिएगा हमारे गाड़ी पर, हम जी भाजपा के आजीवन सदस्य हैं। जी भाजपा ने अपने, अगर कोई पोस्ट हमको दिया है, वो पोस्ट से हमको हटा दिया है, हमको जी कोई पोस्ट नहीं दिया है। तो जब पोस्ट नहीं दिया है तो हटाने का प्रश्न पैदा नहीं है। जी और आजीवन सदस्य है तो आजीवन सदस्य है, जब चाहेंगे भाजपा से अलग हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, भाजपा के ऊपर डिपेंड नहीं है। जी भाजपा वाले लोग को सबसे अच्छी बात है, बड़ी बात है, कि ये लोग जो अपराध वाला चश्मा है ना, ये लोग पहले नहीं पहना हुआ था, अब ये लोग अपराध वाला चश्मा पहन लिया है। बात समझ गए ना सर? अब जी अपराध दो दो दिन में चरम सीमा पर पहुंच गई है बिहार में, और इसके पहले बिहार में अपराध तो था ही नहीं। जी दिन दहाड़े पुलिस की हत्या होती थी, लोगों की हत्या हो रही थी। पटना में कितनी हत्या हुई तो आपको पता है, एक जिला ऐसा बाकी नहीं है जहां हत्या नहीं हो रहा हो। जी यहाँ पर मैंने, अब हमको तो नहीं कहना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में भी वहां पर देखिए क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को जंगल राज नहीं दिखाई दे रहा था। और आज जंगल राज पार्ट 3 से दिखाई दे रहा है कि अब बेरोजगारों को रोजगार मिलने का मौका मिल गया। और जी हमको लगता है कि 25-30 साल तक फिर अब एनडीए को आने का मौका जी मिलेगा नहीं। अभी एक और शब्द लोग कह रहा है कि जी नीतीश कुमार जी ने माइंडेड का अपमान किया, मैंने अथी का, चुनाव का, मतदाताओं का मत का अपमान किया। हमें समझ में नहीं आता है कि 2017 में क्या हुआ, जब नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए तब ठीक थे,
उस टाइम सरकार महागठबंधन को चुनी थी और पोर कर अपने में ले लिए लो, तो उस टाइम की याद नहीं है जी। और दोस्त के पीठ में छुरा घोपने वाला एक तो हम गाना सुने हैं जी। पता नहीं आपका उम्र क्या है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पालेश्वर यादव एक गाना गाते थे जी। कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले जी। मने दुश्मन सुबह हमको मिल जाए कबूल है, लेकिन मतलबी यार नहीं मिलना चाहिए जी। बीजेपी ने एक प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश कौन सा प्रदेश में, 7 एमएलए तोड़ लिया जदयू का जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको क्या कहिएगा, गठबंधन में है भाई, ये सबके बस की हिम्मत की बात नहीं है सर। आंख में सबको इनका अगर थोड़ा भी पानी होगा तो कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। भविष्य में टुनाजी पांडे आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए हम जनता के प्रतिनिधि थे और हम जनता के साथ हैं। जनता हमको बीजेपी में देखना चाहेगी तो बीजेपी में रहेंगे, आरजेडी में देखना चाहेगी आरजेडी में है, जदयू में देखना चाहेगी हम जदयू में है, क्योंकि आप हमारे के बेहद करीबी माने जाते हैं लालू यादव से आपकी। नहीं देखिए हम सर किसी के, लालू यादव जी से इसलिए करीबी है कि सन 1991 से हम गोपालगंज में रहे, उनके ससुर जी से, उनके साले लो से, उनके परिवार से हमको 1991 से बहुत गर्व संबंध था जी। वो लोग भी गोपालगंज के, हम भी गोपालगंज में नौकरी करते थे सर जी। तो संबंध तो बहुत पुराना है सर, लेकिन अभी भी राजनीतिक संबंध जो हमारा है ना बीजेपी से खराब है, न जदयू से खराब है, न आरजेडी से खराब है। बस बीजेपी खराब खराब इतना सर, देखिए खराब इतना ही है कि हम सत्य बोल देते हैं, हम पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, हम जनता का पक्ष लेते हैं, आपका पक्ष लेते हैं, पब्लिक का पक्ष लेते हैं, इसीलिए लोग को ये लगता है कि हम बीजेपी में नहीं है। अभी हमने बीजेपी का बुराई किया आपको, तो जैसे बीजेपी ने बोया वैसा काटा। बीजेपी ने महागठबंधन का सरकार तोड़ा ना 2017 में, क्यों तोड़ा जी? अच्छा, जो तोड़ा तो आज उसका भी टूट गया, जैसी करनी वैसी भरनी बीजेपी के।